आइसोमॉर्फिज्म सीरीज, तो इसका होता है ए ओ ए एल बी ए, ए से अल्बाइट, ओलिगोसीन, एंडरसीन, लेब्राडोराइट, बॉर्टोनाइट, एंडरसाइट। ठीक है, तो अल्बाइट एनोर्थाइट सीरीज है। अल्बाइट क्या होता है? सोडियम रिच होता है। एनोर्थाइट एनोर्थोसाइट होता है हमारा कैल्शियम रिच एनोर्थाइट। कैल्शियम रिच को एनोर्थाइट बोलते हैं, इसको अल्बाइट बोलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा अल्बाइट एनोर्थाइट सीरीज। अगला है कोर्स ग्रेन प्लूटोनिक रॉक्स कंसिस्टिंग प्राइमरली ऑफ सोडिक प्लेजोक्लेज एंड हॉर्नब्लेन। तो ग्रेनाइट्स का मेन कंस्टिट्यूएंट दोनों है नहीं, तो साइनाइट का भी ये है नहीं। तो अब ये डायोराइट और गेब्रो, डायोराइट और गेब्रो दोनों का कंस्टिट्यूएंट लगभग सेम। डायोराइट में क्या होता है? प्लेजोक्लेज होता है डोमिनेंट, बायोटाइट होता है, हॉर्नब्लेन होता है और पायरोक्सिन्स होता है। और गेब्रो में क्या होता है? तो गेब्रो में भी प्लेजोक्लेज होता है, बट गेब्रो का जो प्लेजोक्लेज होता है वो हमारा कैल्शियम रिच होता है, और डायोराइट का जो प्लेजोक्लेज है वो हमारा सोडियम रिच होता है। मीन्स कि इसमें एन ए का कंस्टिट्यूएंट ज़्यादा वाला होता है, जो कि हमारा कौन है? अल्बाइट, अल्बाइट है। मीन्स ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा डायोराइट। अनदर वन देखते हैं, कहता है चटर मार्क्स। चटर मार्क्स क्या होते हैं? तो ये हमारा ग्लेशियर के थ्रू बनता है, मोबाइल ग्लेशियर्स। तो क्या है? एक सीरीज ऑफ स्मॉल और क्लोजली स्पेस्ड क्रिसेंटिक ग्रुप्स, लाइक क्लोजली स्पेस्ड क्रिसेंटिक और चंद्रकार जैसा बना हुआ चंद्रकार, ये इस तरह के होते हैं। और ये हमारा क्रिसेंट जनरली क्या दिखाता है? पॉइंट डाउन द ग्लेशियर्स। इसका राइट आंसर हो गया मोबाइल ग्लेशियर। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मूथ क्वार्टजाइट। तो मूथ क्वार्टजाइट, मूथ का एज है डेवोनियन और क्वार्टजाइट नो फॉसिल्स। तो ये हमारा हो जाएगा अनफॉसिलिफेरस, डेवोनियन इन एज एंड फाउंड इन कश्मीर एंड स्पीति वैली। अब डिसकन्फर्मिटी की बात करते हैं। तो ये जनरली जो डिसकन्फर्मिटी है वो क्या होता है? इरोजनल सर्फेस है बिटवीन द पैरेलल लेयर्स ऑफ द अपर एंड रॉक यूनिट बिलो, दोनों के बीच का, ये एक यहाँ रॉक यूनिट एक यहाँ है, उसके बीच का पैरेलल छोटा सा अनकन्फर्मिटी है जो कि आसानी से रिकॉग्नाइज नहीं होता है। और इसका क्या होता है कि गैप इन स्टेटिग्राफिक रिकॉर्ड्स जो होता है वो ड्यूरेशन बहुत कम होता है, जिस कारण इसको पहचानने के लिए अगर उसमें कोई डाटा टेबल फॉसिल्स है तो इजीली पहचाना जा सकता है, वरना इसका आइडेंटिफिकेशन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, या तो फिर कोई रेडियोमेट्रिक एलिमेंट्स है। तो इसमें कहता है कि नो कंटेंट फॉसिल, ये गलत हो गया भैया, फॉसिल तो रहता है। रिजनल सर्फेस बिटवीन हॉरिजॉन्टल सेडिमेंटरी रॉक्स, हाँ ये सही लग रहा है। अब कहता है कि रिजनल सर्फेस बिटवीन डिफरेंट रॉक टाइप, नहीं डिफरेंट रॉक टाइप रहता तो आसानी से तो पहचान ही जाता। इरोजनल सरफेस थिकनेस मेटामॉर्फिक रहता वो भी इजीली हो ही जाता, तो इसका राइट आंसर हो गया ये एन इरोजनल सरफेस बिटवीन हॉरिजॉन्टल सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट है जियोलॉजिकल टाइम स्केल का सब डिविजन। तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है हमारा योन, उसके बाद क्या है? योन के बाद ईरा है, ईरा के बाद कौन आता है? पीरियड के बाद कौन आता है? इपॉक। तो देखिए राइट आंसर क्या है ये। अगला क्वेश्चन कहता है टेरेस्ट्रियल प्लेनेट जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इनर प्लेनेट में हमारा अपना पृथ्वी भी है, तो जिसमें क्या है? मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, और ये लिखा ना मार्स भी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चार इनर प्लेनेट। अब आउटर प्लैनेट्स भी चार हैं, उसमें कौन कौन आता है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून्स। प्लूटो को तो हटा ही दिया अपना, तो ये हमारा राइट आंसर ये वाला हो गया। कहता है कि आइसोक्लाइनल फोल्ड्स, आइसो मतलब ये होता है इक्वल, क्लाइन मतलब इंक्लाइंड, तो बनाते हैं कुछ फोल्ड, तो ये इस तरह का फोल्डिंग हो गया ये इसका।
एक्सियल प्लेन है, तो इसके अलावा देखते कौन सा ऑप्शन सुटेबल है। कहता ग्रुप ऑफ फॉल्ट, ठीक है, इन विच ऑल एक्सियल प्लेन्स आर इसेंशियली पैरेलल, दिख रहा है, मेजरिंग ऑल कंपोनेंट्स लिम्स डिपिंग इन इक्विलेमेंट्स, ठीक है, ये फर्स्ट चीज सही हो गया। दूसरा क्या कहता है देख लेते हैं, कि फॉल्ट्स विथ इंक्लाइंड एक्सियल प्लेन्स इन विच बोथ द लिम्स आर डिपिंग इसेंशियली इन सेम जनरल डायरेक्शन, फॉल्ट्स विथ इंक्लाइंड एक्सियल प्लेन है, ठीक है, इंक्लाइन बना दिए, और बोथ लिम्स आर डिपिंग इसेंशियली इन सेम जनरल डायरेक्शन लाइक इस तरह, तो ये नहीं होगा। टाइप्स ऑफ ओवरटर्न्स, ओवरटर्न्स का केस में इस तरह हो जाएगा, तो ये होगा नहीं, क्योंकि हमको आइसो इक्वल डिपिंग चाहिए। तो ये हमारा हो गया राइट वन फर्स्ट। इस पे बात करते हैं, डीप ऑफ बेड इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। अब ये है कि एन अनकन्फर्मिटी इज डिफाइंड एज, तो अनकन्फर्मिटी को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, तभी उसमें देखें कि ए सरफेस ऑफ इरोजन और नॉन डिपोजिशन जो इन्फर्ड इन अ सीक्वेंस ऑफ रॉक, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। बाकी आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट 50 जो है वो कल देखेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।